29वें श्लोक का टिप्पण। अन्यत भुक्तम अन्यद्वा अंतम इति न्यायात्। अन्यत भुक्तम अन्यद्वा अंतम की कहानी बन गई है। सब कुछ जब आश्चर्य है, कुछ भी नियत है ही नहीं, हम पढ़ लिख रहे हैं किसके लिए? फिर कोई खाए कोई उल्टी करे। अन्यत भुक्तम अन्यद्वा अंतम, मैंने कोई खाया कोई दूसरे ने उल्टी किया, वैसी बात आप कर रहे हैं। हम लोग पढ़ लिख रहे हैं और जिसे अनुभव हो आश्चर्य, कोई अन्य 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 बोल रहे बार बार, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? एक बात। दूसरी बात, यदि वक्ता श्रोता का अनुभव नहीं करा पाया, वक्ता की बुद्धि जड़ बुद्धि है। न्याय लिखा है वक्तु रेव तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। वक्ता की जड़ बुद्धिता जड़ता है, वो श्रोता की बुद्धि में बात बिठा नहीं पा रहा है, श्रोता को उस आत्म में प्रवृत्त नहीं करा पा रहा है, कर्म में प्रवृत्त नहीं करा पा रहा है, प्रेरणा नहीं दे पा रहा है, मैंने उसकी अपनी ही कमी है। मैंने गुरु ही दोषी हो गया, चेला कुछ न करे तो वक्त रेव तज्जाड्यम श्रोता यत्र न प्रवर्तते इति च मत्वा आह। ऐसा नहीं है, कारण यह है कि तत्व ही ऐसा है, इसे वक्ता का भी दोष नहीं, श्रोता का भी दोष नहीं। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले किसी का कोई दोष नहीं है, ये आत्मा ही ऐसा चीज है, महान आश्चर्यमय तत्व है। उस तत्व को समझने के लिए या अनुभव करने के लिए विशेषतः न गुरु का हाथ तक कुछ है, न शिष्य के हाथ में कुछ है। आश्चर्यवत कश्चित कोई समझा रहे कि ये अचानक होने वाला चीज है, लगे रहेंगे अचानक हो जाएगा, ऐसे अचानक होगा और ऐसे अद्भुत होगा अनुभव, आपको स्वयं को आश्चर्य होगा, क्या मैंने इतने जन्म में इतना कोई पुण्य किया है कि मेरे को ऐसा अनुभव हो गया? ऐसे कौन सी कृपा बरस गई कि मेरे को अनुभव हो गया? इसे कब किसको कैसे अनुभव होगा इसके बारे कोई तय नहीं है, नियत नहीं व्यवस्था, यह बताने के लिए बात कह रहे। देखिए इतने मत्वा आश्चर्यवदिति, ये कहा मात्र शायद अधिक है इसमें, अथवा तो दूसरी अवतरण के योग्य दे सकते हो, शरीरादि ने माया कार्याणि मिथ्याभूतानि दर्शनादि अयोग्यानि। शरीरादि क्या है? माया का कार्य है, वो अति मिथ्या है, दर्शन के योग्य वो नहीं है, दर्शनादि अयोग्यानि। किंतु आत्मैव दर्शनीय, आत्मा ही एकमात्र दर्शनीय है, उसी के दर्शन के लिए प्रयास करनी चाहिए। यदि चेत फिर कथम न दृश्यते। हम इतने जन्मों से पता नहीं कितने जन्मों से लगे हुए हैं, कौन कितने जन्म से लग क्या पता है, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा लग रहा है, कथम न दृश्यते। तब का दुर्लभत्वादित्याह, अत्यंत दुर्लभ होने के नाते आपको अनुभव नहीं हुआ है, इस बात को कथन करने के लिए कहा आश्रत पश्चित कश्चिदेनम इति। सामान्य कर्तुम अशक्य से कर्मण कारणम आश्चर्य। आश्चर्य के साथ वही लक्षण है, सामान्यों के द्वारा जो करने में असमर्थ है, योग्य है, ऐसे कर्म को ऐसे कार्य को कोई दूसरा करता है तो आश्चर्य कहा जाता है। दृष्टांत वही दिया हमने भी, हनुमत समुद्र लंघन अवद मुक्षुत्वादि तथा, हनुमान के द्वारा समुद्र लंघन के समान एवमेव आपने यदि मोक्ष प्राप्त कर लिया तो समझो आपने महान कार्य कर दिया, आश्चर्य कार्य हो गया, मुक्षुत्वादि की प्राप्ति भी महान आश्चर्य। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रहे दुगम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये तीन होता है वो भी महान आश्चर्य है, ये बताने के लिए कह रहे।
आपको श्रवण करने को मिल रहा ही महान आश्चर्य, आश्चर्य वक्ता आश्चर्य श्रोता, इसलिए आश्चर्य चारों है। कौन चार आश्चर्य बता रहे? देखिए, अतएव जिसने अनुभव किया उसको पश्यति शब्द यहाँ पर कहा है। क्रमशः चारों को ले रहे, क्रमशः पहला नाम पश्यति से दृष्टा ज्ञाता अनुभव करने वाला उसको लिया। तार्श अनुभूति के लिए समर्थ कर दिया उसको जिस गुरु ने, उपदेष्टा वो भी आश्चर्यो वक्ता, उपदेष्टा भी आश्चर्य है और तार्श उपदेष्टा से श्रवण करने वाला श्रोता भी आश्चर्य है। और अंत में साक्षात कर्ताच एते चत्वारोपि दुर्लभा, ये चारों ही मानव एक तरह से दुर्लभ है, ये चारों ही दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? आत्मदेव के चारों आत्मा ही हो जाने, इसलिए आत्मा के समान ये भी दुर्लभ है संसार में। दृष्टा मैंने ज्ञाता, उपदेष्टा श्रोता और साक्षात्कर्ता, ये चारों ही आत्मतुल्य आश्चर्य ही है। ये तो ही आत्मा परोक्ष दर्शना या भी दुर्लभ, किभो वक्तव्यम वदना या श्रवणा साक्षात्कार दुर्लभ थी, जिसलिए आत्मा परोक्ष दर्शन के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे उस आत्मा के बारे में कहना ही क्या है जिसकी चर्चा करना, सुनना और साक्षात करना तो अवश्यम भावी दुर्लभ है। परोक्ष भी दुर्लभ है, अप्रोक्ष आप श्रवण कर रहे हैं, अप्रोक्ष तरह कोई कथन कर रहा है, अप्रोक्ष आप साक्षात्कार करेंगे, ये तीनों निश्चित रूप में इसलिए आश्चर्य ही है। उक्तंच श्रुतो, इसको उपनिषदों में कठोर उपनिषद में कहा भी है, श्रवणायापि बहुप्रियो न लभ्यः श्रणवंतोपि बहवोयम न विद्योः आश्चर्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्य जाता कुशलानुशिष्टः। वक्ता लब्धा ज्ञाता और अनुशिष्ट शिष्य, ये सब आश्चर्य है, सुनने के बावजूद भी बहुतों को प्राप्त ही नहीं हो, समझ में नहीं आता क्या बोला गया क्या बताया रहे। श्रीवंतो भी बहवो यमन विद्यो हो कर, जिसको नहीं जान पाते, इसलिए ऐसे को कहने वाला यहाँ भी क्या, वक्ता कुशल है, आश्चर्य है, कुशल है और लब्धा उसको श्रवण करके प्राप्त करने वाला वो भी कुशल और आश्चर्य है, उसको दृष्टा अनुभविता जो साक्षात्ता है वो भी दुर्लभ है, और एतार्श से अनुशासन से अनुशिष्ट साक्षात्कर्ता वह भी अत्यंत आश्चर्य कुशल दुर्लभ है। कठोर उपनिषद में भी ये बात कही गई है। अब अगले श्लोक के अवतरणिका भाष्यकार कह रहे हैं, अत इदानीं प्रकरणार्थ उपसरण ब्रूते देही इत्यादि ना, संपूर्ण प्रकरण के तात्पर्यार्थ को उपसंहार करते हुए कहने जा रहे हैं कि पूर्व में 28वें श्लोक में और उससे पहले 12वें श्लोक में जो कहा गया है उसका उपसंहार किया जा रहा है। यच्छ्रेस्या निश्चितम ब्रूहितन में शुरू में आया था और अब देहि नित्यम अवध्योयम, इसके लिए कह रहे हैं 28वें में क्या कहा था, अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत, ये जो कहा गया था शंकरानंद कह रहे हैं पूर्वम अव्यक्तादीनि भूतानि इति भीष्मा शब्द वाच्यार्थस्य अशोच्यत्व मुक्त उपसंहृत्य, भीष्मादि शब्द के वाच्यार्थ अशोच्य यह उपसंहार करके इदानीम अब आत्मनोपि लक्ष्यार्थस्य, जो भीष्मादि का लक्ष्यार्थ है आत्मा वह उसके दृष्टिकोण से भी अशोच्यत्वम उपसंहरते उसका उपसंहार किया जा रहा है, वाचार्थ दृष्टिया और लक्ष्यार्थ दृष्टिया दोनों ही दृष्टि से शोक करने योग्य कुछ भी नहीं है संसार में। देही नित्यम अवध्योयम्
देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि नत्तम शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि नत्तम शोचितुमर्हसि। हे भारत, हे ब्रह्मज्ञानी, हे आत्मज्ञानी, भामने के ब्रह्मविद्या तस्यामेव रता इति भारत। ब्रह्मविद्या दे चुके हैं अभी तक, उपसंहार कर रहे ब्रह्मविद्या का ही, इसलिए हे आत्मज्ञानी कहना पड़े। हे भारत मने हे आत्मज्ञानी, कम सुन तो लिया है, समझा है, नहीं समझा लेकिन आत्मज्ञानी तो सुनने इस मात्र से भी कहा जा सकता है। इसलिए हे भारत, सर्वस्य देहे अयम देही अवध्य सन नित्यो भवती। सभी के देह में यह जो देही आत्मा है यह अवध्य है, क्योंकि वह नित्य है। तस्मात इसलिए सर्वाणि भूतानि शोचितुम तम नार्हसि, इसलिए किसी भी भूत भीष्मादि क्या इस संसार में किसी भी वस्तु को लेकर के तुम वास्तव में शोक करने योग्य नहीं हो, नहीं शोक करना चाहिए। देही शरीरी इत्यर्थ नित्यम सर्वावस्थासु अवध्यो निरवयवत्वात् नित्यत्वच्च, सभी अवस्थाओं में भी यह अवध्य है। क्यों? निर्वय होने के नाते और नित्य होने के नाते ऐसा यह देह शरीरी तत्र अवध्यो अयम, ऐसा इस प्रकार से तादृश तत्र अयम मन आत्मा पुल्लिंग में अयम आत्मा अवध्यो, कहाँ रहता है वो आत्मा को अवध्य कह रहे हैं आप? उपाधियों में देहे शरीरे, उपाधिभूत देहादियों में विद्यमान आत्मा भी अवध्य है। व्यापक आत्मा का तो प्रश्न ही क्या है, कई मुत्यु के न्याय किम होता, सोपाधिक का भी वध नहीं हो सकता तो निरुपाधिक का वध कैसे हो सकता है, असंभव है, ये कहने का तात्पर्य है। सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावराज्यो स्थितोपि, कहेंगे ना सर्वस्य माने सभी उपाधियों के, कौन उपाधियाँ हैं? स्थावराशु सार स्थावर आदि सभियों में स्थितो अपि, सकल उपाधियों में सर्वगत होने के नाते उपस्थित होने पर भी सर्वस्य प्राणिजात देह वध्यमाने अपि, सकल प्राणिजात के देह का मार दिए जाने पर भी अयम देही न वध्यो, ये जो आत्मा है देही है यह वध गए योग्य नहीं। यस्मात जिसलिए ऐसा है, तस्मात तस्मात का ध्यान करना पड़ेगा कि श्लोक में तस्मात है। तस्मात भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि, भीष्मादि है जय या सामने त्रेणी और ऐसा बाहर भी है जो सगल भूतों को उद्देश्य करके उद्देश्य न तुम शोचित तुमर्षि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शंकराचार्य कहते हैं देही थी हे भारत आत्मज्ञान संपन्न, हे भारत बने आत्मज्ञान संपन्न, तुम आत्मज्ञान संपन्न हो, ऐसे जो तुम आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति शोक करने योग्य नहीं हो, ऐसा अनुभव होगा। हे भारत तुम शोच तो नर्वसि, सर्वे देहा उपलब्धि स्थानत्वेन, क्योंकि इसको देही क्यों बोलते हो आत्मा को, कि सारे देह उस आत्मा की उपलब्धि का स्थान है। इसलिए कहा गया शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला साधन धर्म का आपका अपना शरीर ही है, इसे शरीर को स्वस्थ रखनी चाहिए। क्यों? सांड बन के घूमने के लिए नहीं, खा पी के सोने के लिए नहीं, किंतु धर्म करने के लिए। और अपना धर्म क्या है? स्वाध्याय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमेयतव्यम तद्धि तपः, तद्धि तपः सर्वोत्तम तप स्वाध्याय संसार में, यही आपका परम धर्म है, इसके लिए ही शरीर को स्वस्थ रखना है।
नहीं शरीर मर रहा है तो मरने दो, जाने दो, खत्म होने रखे क्या करना है। जब स्वाध्याय करने लायक नहीं रहेगा, इसको बचा के रखने का कोई मतलब नहीं। ICU में पड़े रहने के लिए थोड़ी शरीर बना हुआ है, और पिल बड़ार भक्तों को उस चक्कर में उसी अच्छा महात्मा को मानता हूँ जो यहाँ पर थे शिवानंद आश्रम में, एक नाथ ब्रह्मानंद जी, उन्होंने देखा शरीर भजन के लायक नहीं है, वो संगीत गाते थे, कईयों को तैयार किया था। तो इस तरह से वो उन्हें देखा भी शरीर 99 साल 8 महीना बीत चुका था, शताब्दी मनाने की तैयारी हो रही है, गंगा दशहरा के दिन वो शरीर गंगा जी बचे नहीं बैग, बहुत ढूंढा शरीर नहीं मिला। नेपाली बाबा देखो, देखा बेकार हो रहा है शरीर, अब जाओ अस्पताल ले जाने पड़ रहे बेकार इन विद्यार्थियों को, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अब पढ़े लिखे एक मूर्खता कर रहे हैं। अरे शरीर का मोह क्यों कर रहे हो, ये शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। अन्न जल जल छोड़ के छोड़ देते शरीर को, स्थिति आने ही नहीं देते। उपलब्ध स्थानत्व है ना, इस पर बोल रहा था कि आत्मा की उपलब्धि का स्थान है ये सर्वे देहा आत्मविस्ता उपलब्धि स्थानत्वेन अस्य अस्ति संति इति वा देही, इसलिए से ना देही पड़ा। सर्वदेवोपाधि मानयम् आत्मा, सर्वदेवोपाधि वाले आत्मा है, सर्वस्य ब्रह्मास्तम्भ पर्यंत सभी ब्रह्मास्तम्भ पर्यंत वस्तुओं का प्राणी जातस्य देहे वद्यमाने पि, इस शरीर का मार दिए जाने के बावजूद भी नित्यम स्वयं अवध्य भवति, नित्य यह आत्मा स्वयं जो है अवध्य ही रहता है। अविकृतवाद आत्मा, क्योंकि आत्मा कैसा है, अविक्रिय, अविक्रियत्वाद आत्मा, घटेषु नष्टेषु तस्य आकाशवत् स्वयं तो न नश्यति यस्मात् तस्मात्। जैसे घटादियों का नष्ट होने के बाद उपाधि क्या है, आकाश के घटादि, इन घटादि उपाधियों का नष्ट होने के बावजूद भी घटावचिन जो आकाश था वो आकाश का नाश नहीं होता। यस्मात् जिसलिए ऐसा है, तस्मात् आत्मनो अनश्वरत्व विज्ञानात्, आत्मा अनश्वर है, नश्वर नहीं है यह विज्ञान होने से। तय में अवसिता युद्धे प्राणाशक्ता धनानि च, ये सब रोना बंद करना पड़ेगा, ये सब बातें खत्म। तय में अवस्थिता युद्धे, ये भीष्मादि जिनके लिए मैंने राज्य आदि पाना है वे सब यह अवस्थित है। प्राणाशक्ता धनानि च, प्राणों को भी पहले छोड़ चुके हैं, निश्चय कर चुके हैं मरने के लिए हम आए हैं, प्राणास्तित्व कह दिया है, भविष्य में त्याग होना है, भूतकाल में लिख दिया त्यक्त्वा, पूर्वकाल क्रिया में है ना, त्वा प्रत्यय समान कर दिया, पूर्वकाल है सूत्र है। इसलिए कहते हैं जो निश्चय कर लिया इन लोगों ने मरना और धनादि का त्याग करके आई हुई उक्त रीत्या भीष्म सर्वभूतानि शरीराणि एते म्रियन्ते मदिया इति न तुम शोचितो बरसी, ये जो तुमने कहा था पूर्व में भीष्म सकल भूत उनके शरीरों ये सब आए हुए हैं, सब मर जाएंगे, म्रियन्ते मदिया ये सब मेरे हैं, मेरे सब मर जाएंगे, इस प्रकार का तुम्हारा शोक करना अब उचित नहीं है। एतेषु हन्यमानेषु आत्मा न नश्यति इत्यर्थ, क्योंकि जो है भीष्मादि शरीरों का मरण जाने पर भी वो आत्मा इनका अपना वो तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं है, एक है, एक ही है, अतएव वो तो आत्मा मरने वाला नहीं है। एतेषु हन्यमानेषु भी आत्मा न नश्यति इति, आत्मनो नित्यत्व ज्ञाता, आत्मा की नित्यत्व ज्ञाता कौन, तुम, त्वम, आत्मानुबुद्धिश्य, अब आत्मा को उद्देश्य करके शोक मोहंच कर तुम नारसी, शोक मोह करने योग्य तुम नहीं रह गए हो। अत्र देहो नश्यति ममयमिति च यस्य देह विषयो शोक मोह नस्तः तस्य अप्रतिबद्ध अपरोक्ष विज्ञानवतो विदुषः, और जिस व्यक्ति के अंदर पहले से निश्चय था देहो नश्यति मम अयम देहो नश्यति इति
यस्य देह विषय शोक मोह, जिसको देह विषय शोक मोह है ही नहीं, नस्ता तस्य, उस व्यक्ति को अप्रतिपद अप्रोक्ष विज्ञान है, बिना कोई प्रतिबंधक उस अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान अनुभूति है, इसे कोई संशय नहीं। यदि अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म हो गया, हमको गुरु कहां से मिलेगा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु तकत कोई चिंता नहीं। वह विदुषा शरीर रहता है, शरीर में रहकर शरीर द्वारा अनेक जन्मों से जो अभ्यस्त वेदांत का, वह निरंतर तत्चिंतनम तत्कथनम तद अन्य प्रबोधन के द्वारा शिष्यों का कल्याण करते रहता है। दैवाधीने शरीरे अस्मिन्, दैवाधीन मने प्रारब्धाधीन, क्या प्रतिबद्ध अप्रोक्ष ज्ञान वाला है वो विद्वान, अतः उसके अंदर दैवाधीन शरीर में अस्मिन् गुण भाव्येन कर्मणा, गुणों के द्वारा भाव्य कर्मों के द्वारा माने सत्व स्तम के गुणों का परिणाम स्वरूप प्रारकर्माधीन इस शरीर के अंदर जो होता वह कर्म के द्वारा वह सब का कल्याण ही करता है। वो पढ़ावे ना पढ़ावे, बैठे रहे तो भी उसके उसके बैठे रहने से कल्याण हो जाएगा, उपस्थिति से हो जाएगा काम। कई लोग इस शरीर उपाधि को भी मान बैठे ब्रह्म ज्ञानी है, इसे हमारे पीछे पड़े रहते हैं, आप आओ या आप बैठे रहो बस। अरे हम ब्रह्म ज्ञानी है क्या कि हमको पकड़ रहे हो, हमको बुलाए बिठाना चाहते हो, मान बैठे तो मान बैठे, क्या कर सकता हूँ, उनके भ्रम है कि सत्य वो ही जाने, लेकिन हम अपने आप को घोषणा तो कभी करते हैं ही नहीं, लेकिन लोग मानते आओ कहते कि नहीं आप, हमने कहा हम आके क्या करेंगे, मैंने जान बुझ के कहा मैं कमरे से बाहर भी नहीं आऊँगा, जिस कमरे में बिठा दिए वहीं रहूँगा और कमरे से बाहर ही नहीं आऊँगा और कोई मेरे कमरे में नहीं आए, दर्शन वर्शन चक्कर भी नहीं। लोग समझते इस तरह के कि उपस्थिति मात्र से भी उनको पता है क्या लाभ हुआ, नहीं हो तो भगवान जाने, लेकिन उपस्थिति मात्र से भी मानते हैं। शास्त्र भी कहता है यदि वो स्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है उसकी उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, और हम लोग छोटे मर्जी को देखते थे कहीं से कुछ बोलते ही नहीं थे, चुप बैठे हुए, आँख खुला हुआ है देख भी नहीं रहे, आँख खुला है लेकिन देख नहीं रहे, उनको पता नहीं कौन आया कौन गया, कुछ नहीं मालूम, ऐसे बैठे रहते थे सीधा। लेकिन लोग समझते हैं हम गए हमारे प्रश्नों के जवाब मिल गए, हमारी समस्या हल हो गई उनके पास जाने से बैठने से। भैया शास्त्र कह रहा है दैवाधीन उनका शरीर गुण भाव के उनके स्थिति मात्र के कर्म के द्वारा भी लोक कल्याण ही होता है। यदि न्याये न शरीर से प्रारब्धाधीन शरीर यात्रार्थम अभी न किंचित कर्म कर्तव्य किमुत अपरमिति, इस न्याय के आधार पर उनके शरीर की यह यात्रा के लिए भी उन्हें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं कि शरीर तो प्रारब्धाधीन चल रहा है। शरीर यात्रार्थम अपि शरीर की यात्रा के लिए भी न किंचित कर्म कर्तव्य किमुत अपरम, अन्य कौन से कर्म करेगा, स्कूल खोलेगा कॉलेज खोलेगा अस्पताल खोलेगा, काहे को करेगा ये सब फालतू का कर्म, ये सब करेगा ही नहीं। उस शरीर यात्रा के लिए शरीर की स्थिति मात्र के लिए जो कर्तव्य कर्म मान लिया जाए वो भी प्रकर्माधीन हो रहा है, उसमें भी संकल्प विकल्प करेगा नहीं कभी, दूसरों के संकल्पानुसार शरीर भले चल पड़े कुछ व्यवहार पर कर पड़े। 1980 में शताब्दी थी कैलाश आश्रम का, बताया जाता है भक्तों में घोषणा हुआ प्रचार हुआ लेकिन 100 लोग भी बुकिंग नहीं किए, ट्रेन यात्रा निकाला था 100 लोग भी जाने को तैयार नहीं, फिर बाद में महाराज से निवेदन किया महाराज आप भी चलेंगे तो शायद लोग चलेंगे। पहले 8 डिब्बों की कल्पना थी इनकी, 8×72 जाएंगे, एक डिब्बी रसोई रहेगा। महाराज जी ने कहा ठीक है आप लोगों की इच्छा है
जिस आश्रम में शरीर इतना समय रहा है, इस आश्रम की शताब्दी के लिए शरीर को यात्रा करना पड़े तो कोई बात नहीं, आपके संकल्प के अनुसार चले। घोषणा किए 9 डिब्बा 12 डिब्बा कम पड़ गया, इतने लोग बस वो है साथ में, इतने पर्याप्त है, उसके लिए जाने पड़ते हैं। 12 डिब्बे कम पड़ गए, कार्यक्रम पूरा हो गया, लौट आए तो जो बड़े हमारे जीते उसे मंडलेश्वर ने जाके बोला, स्वामी जैसे यात्रा में जो भी हुआ खर्चा उसके बाद इतना बचा है सबको बांट दो वापस, एक पैसे आश्रम में नहीं लगाना, सब यात्रा के लिए पैसा यात्रा वालों को वापस कर दो, सब परिवारों को जिसको 5 रुपया 2 रुपये जिसको जन्म दे दो सब दे दो, ये संत का स्वरूप है, ये नहीं बटोर बैंक में जमा करो, सब बांट दिया। इसलिए ये भाई जो कहते हैं ऐसा नहीं कह रहे, शास्त्रों को कहना जीना है वेदांत को, क्यों सुनने सुनाने के लिए नहीं है, वेदांत हमारा जीवन है, आत्मा की कथा अपनी कथा है, भगवान कृष्ण की कथा नहीं, भागवत थोड़ी है ये, रामायण थोड़ी कि राम की कथा हम बोल रहे हैं, हम अपनी कथा सुना रहे हैं, आत्मा की कथा है वेदांत। इसे इनका कहना है कि देखो कि प्रारब्ध आदि शरीर यात्रार्थ न किंचित कर्म करते हुए कि मुता परमिति सिद्धस्य प्रविदा सर्वकर्म संन्यास एव अधिकारयति भूतानि न तो सुस्मृति पदेन सूचितं भवति। इसलिए सिद्ध जो व्यक्ति है, जो ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ चुका है, ब्रह्मविदा है, वह सर्वकर्म संन्यास में ही उसका अधिकार होता है, यह बात को सूचित करते हुए कहा भूतानि न तम सूचितं अर्हसि इति पदेन सूचितं भवति। 30वें श्लोक का टिप्पण देखिए, वाचार्थम विविच्य लक्ष्यार्थम वक्ष्यति, वाचार्थ विवेचन के बाद लक्ष्यार्थ को कथन करने जा रहे हैं। पूर्वार्ध में यस्मात् ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा, अंतवंत में देहा 2:18 में, अव्यक्तादिनी 2:28 में, इत्यत्र उक्तमेव उपसंहरति, इन 2 श्लोकों में जो उपक्रम किया गया था, बीच में चर्चा किया गया था, उसी को यह उपसंहार है। ये उपक्रम उपसंहार और बीच में अभ्यास होता है, उपक्रम 18 है कि नहीं, अभ्यास है 28 और उपसंहार है 30। एवं अनार्य जुष्टम इत्यस्य उपव्याख्यानमपि उपसंहरति, एवं अनार्य जुष्टम इत्यादि जो कहा गया था अर्जुन के द्वारा, उसके भी जो समाधान करते हुए व्याख्यान का उपसंहार कर दिया जाता है, व्याख्यानम उपसंहरति। सर्वाणि भूतानि च आध्यासिकानि तस्मादपि अशोच्यैवते, सकल भूत आध्यासिकी हैं, अतः इन्हें लोग लेकर के निमित्त बना करके शोक करने योग्य नहीं है, ये यहाँ संदेश दिया गया। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं 31 के लिए, यह परमार्थ तत्व अपेक्षायाम शोको वा मोहो वा न संभवति इत्युक्ताम, यहाँ परमार्थ तत्व अपेक्षायाम शोको वा मोहो वा न संभवति, परमार्थ तत्व दृष्टिया आपका शोक या मोह करने का कोई अवसर ही नहीं है, ये बात कह दिया। न केवलम परमार्थ तत्व अपेक्षायाम एव किंतु स्वधर्मम अप्यवेक्षा, केवल परमार्थ तत्व के दृष्टिकोण से शोक मोह करना नहीं है, बल्कि स्वधर्म दृष्टिया भी शोक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु स्वधर्मम इति वेदा विनाशनम इत्यत्र अयम अर्थ स्फुटम विरूपिता, संक्रांति अपने अवतरणिका दे रहे हैं, वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादियों में यह अर्थ स्पष्ट कर दिया गया था, सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव इति, सर्वमिदम अहम च, सर्वम इदम और अहम च त्वं च ब्रह्मैव इति, सर्वस्य ब्रह्मात्रत्व विज्ञानम
आत्मप्रसाद जम यस्य तस्य न किंचित कर्तव्यम अस्ति। सभी के अंदर ब्रह्म मात्र विज्ञान वाला आत्मप्रसाद से जन जितार्थ अनुभूति वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति कुछ भी कर्तव्य नहीं है, बल्कि सर्वकर्म संन्यास उसका अधिकार है, ये बात कह दिया गया। तद अन्यस्य अहम इत्यादि अभिमानवतो मुमुक्षु। इन तार्श विद्वान से, ज्ञानी से भिन्न जो अन्य पुरुष है, कौन अन्य पुरुष है? जिसके अंदर अहम मम इत्यादि अभिमान वाला है, ऐसा जो मुमुक्ष हो, ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ निदान तपासा नाशकेन इति श्रुति बलात् चित्त शुद्ध्यर्थम विधि दृष्टः। अन्य जो मुमुक्षु है, ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है किंतु मोक्षा अभी मुक्ति के मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए कहा ब्राह्मणा विविदिशन्ति तम एतम आत्मानम, वह यह जो आत्मा है उसको ब्राह्मण आदि जानने की इच्छा से क्या करते हैं? अंतरण शुद्धि हेतु यज्ञ दान तप और व्रत किया करते हैं। इतिहास श्रुति के बल से चित्त शुद्धि अर्थम विधि दृष्टा, चित्त शुद्धि के लिए विधि देखा गया। स्वधर्म पूर्वोक्त ज्ञान सिद्ध्यर्थम कर्तव्य एव, स्वधर्म जो है पूर्वोक्त ज्ञान की सिद्धि के लिए अवश्य करना चाहिए। इति बोधयितुम इदं प्रकरणम आरभ्यते, इसके लिए यह प्रकरण को अब आरंभ किया जाता है। तत्र आदौ अर्जुन से आत्मज्ञान अभाव आलक्ष्य, इस दृष्टिकोण से क्या मानेंगे हम अर्जुन को? अब आत्मज्ञान के अभाव वाला मान लेंगे। ये प्रकरण आरंभ करने के लिए अर्जुन को क्या माना जाएगा? इतना आत्मज्ञान देने के बावजूद भी वो आत्मज्ञान हीन है, ये मान करके प्रकरण बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोल सकेंगे। इसे तत्र आदो अर्जुनस्य आत्मज्ञानाभावम आलक्ष्य तम स्वभक्तम मुमुक्षुम, ऐसा जो स्वभक्त है परमात्मा का अपना और मुमुक्षु है उसको कर्तव्य स्वधर्म में प्रवर्तयितु इदम आह। श्री भगवान कर्तव्यता स्वधर्म में प्रवृत्त कराने के लिए ही भगवान इन वचनों को कह रहे हैं। स्वधर्ममपिचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्याश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपिचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्याश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।